सिरसा में नेजाडेला गांव के समीप एक दुर्घटना हुई जिसमें बड़ा हादसा टला। एलपीजी गैस के ट्रक व कार की आमने सामने से टक्कर हो गई। गनीमत रही कि जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस दुर्घटना में कार व ट्रक दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। कार चालक को चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार एलपीजी गैस से भरा ट्रक पंजाब की साइड से शहर की तरफ आ रहा था, जिसे आगे गोरखपुर जाना था। वहीं एक कार शहर से पंजाब की तरफ जा रही थी। नेजाडेला गांव के समीप कार व ट्रक की आमने सामने से टक्कर हो गई, जिसमें कार चालक को चोटें आई हैं, जिसे पहले नागरिक अस्पताल और फिर निजी अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती करवाया। ट्रक व कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। बता दें कि ट्रक में एलपीजी गैस थी, जिस कारण बड़ा हादसा भी हो सकता था। गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। कार व ट्रक दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। कार चालक का निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। वहीं इस मामले में सदर थाना प्रभारी ईश्वर सिंह से बातचीत में उन्होंने बताया कि ऐसा कोई हादसा हुआ है, इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है।